ऑल इंडिया बासी महासभा ने आगरा की सरजमी पर पहले राष्ट्रीय अधिवेशन का सफल आयोजन किया। इस मौके पर विभिन्न जगहों से एकत्रित हुए अब्बासी समाज के लोगों ने समाज की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की, साथ ही समाज में फैली कुरीतियों को दूर करते हुए उसके उत्थान के लिए आगे की रूपरेखा तय की। ऑल इंडिया बासी महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन आगरा में रखे गए पहले अधिवेशन में बड़ी संख्या में समाज के लोग हुए एकत्रित, समाज की वर्तमान स्थिति पर चर्चा कर समाज के उत्थान की बनाई गई रूपरेखा, समाज को शिक्षित संगठित बनाने पर दिया गया जोर। हाजी शमशेर अब्बासी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया अब्बासी महासभा नोएडा से। जी, आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, सबसे पहले तो आगरा आकर कैसा लगा, किस तरह का प्रोग्राम है, क्या कहना चाहेंगे? आगरा तो एक ऐसी जगह है जो प्रेम की नगरी है, और यहाँ आके तो हर आदमी खुश हो जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी प्रेम की नगरी में आकर खुश हुए हैं। और राष्ट्रीय अधिवेशन जो हमारा आज पहला हुआ है, इसमें हमने पूरे इंडिया से हमारे साथी आए हुए हैं, और सब साथियों को आज ये सुझाव का है, मकसद देन है, मतलब ये हमें समझाने का है कि भाई किस तरीके से हम ऑल इंडिया अब्बासी महासभा को, अपने समाज को आगे कैसे लेके चलना है, क्या इसमें से बुराई हमें हटानी है, क्या इसमें अच्छाई हमें लगानी है। और ये पूरा अधिवेशन इसलिए पूरे इंडिया को लेके, हमने पूरे इंडिया से हमारे अब्बासी समाज आया है सबको सिखाने और समझाने के लिए, और ये पहला अधिवेशन है। इंशाल्लाह सब कुछ हमारे कॉलेज पे बातें चली हैं, पढ़ाई पे बातें चली हैं, एजुकेशन पे बातें चली हैं, हमारी एडवोकेट बनाने पे बातें चली हैं, तो हम सब लोग अब यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाएंगे और समाज को आगे चल के जितना भी सीख लेके गए, समझाने का काम करेंगे, एजुकेशन पे काम करेंगे, अपने अपने जगह पे जाके अपने उस तरीके से काम करेंगे जो एजुकेशन में काम आए, कॉलेज बनाने में काम आए, एडवोकेट बच्चों को बनाने में, IPS बनाने में काम आए, इन तरीके इन चीज़ों पर सब पे फोकस करके और सब लेके इंशाल्लाह। अभी एक बात कही जा रही थी कि अनेकता में एकता, ये सब लोगों को ये साथ ये चलना है। मेरा नाम रईस अब्बासी है, मलेशिया से हूँ। जी, मैं ऑल इंडिया अब्बासी महासभा का राष्ट्रीय वरिष्ठ अध्यक्ष हूँ और मलेशिया से पूर्व सभासद हूँ। आज हम लोग यहाँ पर इसलिए आए थे, हमारी जो राष्ट्रीय कमेटी है उसका एक दिवसीय आज अधिवेशन है। उस अधिवेशन में हम लोग पहला अधिवेशन किया है, सभी हमारे पूरे हिंदुस्तान से जो हमारे साथी हैं वो भी यहाँ हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, और हमने अब्बासी महासभा की जानिब से हम अपने समाज के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, बेहतरीन शिक्षा, या हमारे जो बच्चे हैं जिनमें तालीम की भी कमी है, हम चाहते हैं कि वो बच्चे तालीम हासिल करें, शिक्षा प्राप्त करें और आगे बढ़ कर के IAS PCS बने, एडवोकेट बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर्स बने, तो उसके लिए हम लोग आज इस अधिवेशन के माध्यम से समाज को संदेश ये दे रहे हैं कि हम जो हमारा जो मुल्क है ये लोकतांत्रिक देश है, इसके अंदर हम अमन चैन के साथ रहें, हम भाईचारे के साथ रहें। हम आज इसके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो तमाम बिरादरी और खासतौर से जो हमारे ऑल इंडिया लेवल के पदाधिकारी बैठे हैं, हमारे वक्फ निगम के हमारे निदेशक साहब बैठे हैं, जो हमारी सरकार में उनका एक हिस्सा है, हम ये संदेश देना चाहते हैं अपने समाज को कि हम हिंदू मुस्लिम एकता के साथ, हम इस भाईचारे के साथ इस मुल्क में रहना चाहते हैं। समाज की शिक्षा का तो फोकस आपका पूरा है, लेकिन जो कुरीतियां समाज में है उनको भी दूर करने का मास्टर प्लान है। उनको कुरीतियों को हमें उसी माध्यम से दूर करेंगे कि हमारे बच्चे शिक्षित हो, जब हमारे हमारे बच्चों में शिक्षा होगी, जब वो शिक्षित होंगे तो अपने आप ही उन कुरीतियों को दूर करेंगे। अब्बासी समाज की कई ऐसी संस्था है जो आना कदम है, तो उनको भी करने के लिए जी कोशिश हमारी है कि हम चाहते हैं कि जो हमारी 3 या 4 कमेटी ऑल इंडिया में चल रही हैं, कि आगे चल करके हम सबको एक कर लें और एक करके उस अब्बासी समाज को इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पर ला करके काम करें। जस्ट वन टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, MI, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ। जस्ट वन टेलीकॉम, हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराया, मथुरा।